आज हम बात करेंगे विंडोज 10 में मौजूद कुछ फीचर्स पे। अगर आप पिछले लेक्चर को देखा होगा या सुना है तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने विंडोज के जो डेस्कटॉप है उस पर डिस्कस किया था और उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स पे बात की थी, वो एक ओवरऑल व्यू दिया था। आज हम इनमें से कुछ फीचर्स पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज हमारे डिस्कस में मौजूद है कोर्टाना, टास्क व्यू या वर्चुअल डेस्कटॉप और फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर पर तो हमारे यहाँ पे काम बहुत होता है, लेकिन ना तो हमारे पे वर्चुअल डेस्कटॉप के बारे में कोई कुछ जानता है ना कोर्टाना के बारे में। हालांकि इतने इम्पोर्टेंट है और इतने काम की चीजें हैं कि अगर ये चीजें आपको आ जाए तो आपके काफी काम विंडोज पे आसान हो जाते हैं। जब हम कोर्टाना की बात करते हैं तो अगर आपने विंडोज 2010 में, वैसे कोर्टाना का जो लॉन्चिंग हुई थी वो विंडोज 8 में हुई थी, विंडोज 8 से ये इनकॉर्पोरेट किया गया। लेकिन अगर आप विंडोज 8 चलाते हैं, 8.1 चलाते हैं या विंडोज 10 का वो वर्जन जो 2014 वर्जन से पहले का, 2014 से मतलब उसका ईयर नहीं है, 2014 उसका नंबर है, 2014 वाले नंबर से पहले वाला अगर आप विंडोज चला रहे हैं जो मई 2019 में लॉन्च हुआ था, 2014 उससे पहले का अगर आप विंडोज 10 चला रहे हैं तो आपको ये जो सर्च बार है उसके अंदर कोने पे आपको एक गोल दायरा नजर आएगा, वो कोर्टाना का गोल दायरा है। लेकिन विंडोज 10 में मई 2019 में जो 2014 वर्जन आया वहां पर उन्होंने सेपरेट यहां पे गोल दायरा लगा दिया जिसको कोर्टाना कहते हैं। अगर तो आपके विंडोज में कोर्टाना नजर नहीं आ रहा, चाहे वो सर्च बार में चाहे वो यहां पे, तो इसका मतलब है कि आपका कोर्टाना जो है वो डिसेबल है। उसको एनेबल करने के लिए आप सर्च बार में कोर्टाना लिखेंगे। सर्च बार में जब आप कोर्टाना लिखते हैं तो जैसे मैं यहां पे कोर्टाना लिखता हूं तो मेरे सामने कोर्टाना की स्क्रीन आ जाती है और यहां पे ये ऐप है और यहां पे इसकी सेटिंग है। यहां ऐप सेटिंग में आप जाके इसको एनेबल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास एनेबल है तो मुझे एनेबल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर वो नजर नहीं आ रहा है तो आप उसको एनेबल कर दें। अब हम कोर्टाना पे जाएं, कोर्टाना की बात करें कि वो क्या किस तरह काम करता है। तो कोर्टाना को अगर हम क्लिक करें या इस आइकन को क्लिक करें या ऐप पे जाके क्लिक करें तो यहाँ पे एक स्क्रीन खुल जाती है जिसमें आपके ऊपर आपकी स्क्रीन में कुछ चीजें जो प्रीवियस आपने काम की है वो आ जाती है, या वो आपको बता रहा होता है कि जनाब वो आपकी क्या क्या हेल्प कर सकता है। अब कोर्टाना आपकी हेल्प क्या करता है, आप कोर्टाना पे चाहे लिखकर चाहे जबानी बोलकर दोनों सूत्रों में आप इससे जो सवाल करेंगे अगर इसके पास जवाब होगा तो उसका जवाब वो जरूर देगा। चाहे वो आप कोई वेबसाइट सर्च करें, चाहे कोई आप रेफरेंस सर्च कर रहे हो, कोई भी चीज सर्च कर रहे हो वेबसाइट पे, चाहे तो आप यहाँ पे कोई कैलकुलेशन देखना चाहें, किसी किस्म की कैलकुलेशन ये देखना चाहें तो कैलकुलेटर का भी काम करेगा। आप चाहें अगर मौसम का हाल पूछ रहे तो आपको मौसम का हाल बता देगा। आप चाहें तो यहाँ पे किसी वेबसाइट को सर्च करें, लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पे गूगल का सर्च इंजन यूज नहीं करेगा, वो बिंग सर्च इंजन यूज करेगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बिंग से रिलेटेड है। गूगल का जो सर्च इंजन है वो गूगल वालों का है, बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का। तो चूंकि ये विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट की है इसलिए वो बिंग में सर्च करता है। और यहाँ पे ऊपर भी देख रहे हैं सर्च फॉर बिंग, यहाँ पे बिंग का निशान है और ये सर्च फॉर अभी मैंने वेरी एक्टिव लिखा था, इसमें वेरी एक्टिव है। अब मिसाल के तौर पर मैं ऐसे ही यहाँ पे एक कैलकुलेशन डालता हूँ कोर्टाना के अंदर। यहाँ पे जब लिखा हुआ आज कोर्टाना, यहाँ पे लिखता हूं 20 मल्टीप्लाई बाय 5000 डिवाइड बाय 3 प्लस 18। अब आपको क्या नॉर्मली इसको कैलकुलेट करने जाए आपको बड़ा मुश्किल होगा। आज इनको सेंड करें जब आप इसको सेंड करते हैं तो ये आपको जवाब दे देगा कि आपका जवाब है 33,351.333।
जिसने आपने अपनी कैलकुलेशन कर दी कि वो किस तरीके से इसको कैलकुलेट करता हुआ जा रहा है और उसका जवाब आपको दे दिया उसने, ठीक है, ये आपने कैलकुलेटर के तौर पे भी काम किया। अब हम किसी चीज को सर्च करते हैं, जैसे मैं देख रहा हूं कराची वेदर, अगर मैं यहां पे देखो कराची वेदर और एंटर करता हूं तो ये तो सर्च करेगा और ये मुझे बता रहा है कि इसको कराची का वेदर है 79 फारेनहाइट, हाईएस्ट आ जाएगा 85 डिग्री के कराची सिटी का जो पूरा वेदर है उसने मुझे यहां पे बता दिया है। और ये मुझे बता रहा है 11:48 का टाइम कि उस वक्त ये वेदर है कराची में। हम यहां पे वेदर मालूम कर लेते हैं, हम चाहे तो किसी फ्लाइट के बारे में मालूम कर सकते हैं, हम चाहे तो किसी वेबसाइट के बारे में मालूम कर सकते हैं। जैसे मुझे कुछ सर्च करना है, लेट्स से कि मैं यहां पे लिख लेता हूं कोई भी एक चीज को मैं सर्च कर लेता हूं, मिसाल के तौर पे किसी वेबसाइट को या किसी लिंक को, या मैं सिर्फ यहां पे किसी जैसे विकिपीडिया पे पाकिस्तान देख लेता हूं तो मैं सिर्फ पाकिस्तान लिखूंगा। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान लिखूंगा तो मुझे पाकिस्तान से रिलेटेड चीजें बता देगा। अब मैंने पाकिस्तान लिखा है तो मुझे पता है पाकिस्तान है कंट्री साउथ एशिया, ठीक है, कैपिटल इस्लामाबाद है, ये बिंग में जो डेटा मौजूद है उसके हिसाब से बोला कि वो प्राइम मिनिस्टर ये है, इसकी आबादी ये है, इसकी जीडीपी ये है। मजीद डिटेल में मैं जाऊंगा तो मैं सीपोर्ट करूंगा तो वो बिंग की ब्राउजर खोल कर उसकी मजीद डिटेल दे देगा कि जरा कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं क्या डिटेल्स इसके बारे में मौजूद है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है बिना ब्राउजर खोले मालूम कर सकता हूँ, बिना कैलकुलेटर खोले मालूम कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ जैसे मुझे लिखना नहीं आता तो मैं सिर्फ यहाँ पे जो माइक्रोफोन है इसको क्लिक करके मैं बोलूंगा तो तब वो उसको भी रिकॉग्नाइज करके मुझे बता देगा अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो इंग्लिश को रिकॉग्नाइज करेगा। मैं इंग्लिश में इसको कुछ बोलता हूँ तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। जैसे अगर मैं इसको भी क्लिक करता हूँ, दबा के रखता हूँ और मैं बोलता हूँ कराची वेदर, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बोला है वो बहुत ही परेशान हो गया है, ठीक है, अब दोबारा क्लिक करता हूँ कराची वेदर। Right now, it's hazy and 79. The forecast shows mostly cloudy skies with a high of 85 and a low of 54. अब यहाँ पे जब मैंने इसको कराची वेदर से बोला है तो उसने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया और उसने मेरे बोलने पे समझ लिया कि मैं लिखने पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो उसने भी जवाब मुझे साउंड के जरिए बताया, अपनी वॉइस के जरिए बताया कि जनाब मैं कराची वेदर की आप बात कर रहे हो तो कराची वेदर में ये चीजें हैं इस वक्त। तो यानी कि आप इससे बात कर सकते हैं, इनसे बहुत सारी चीजें मालूम कर सकते हैं, चाहे रिटर्न में चाहे जबानी वॉइस के जरिए मालूम कर लें। ये आपको हर चीज बताएगा जो जो चीजें कि बिंग की वेबसाइट सर्च इंजन में अवेलेबल होगी, जो बिंग में अवेलेबल नहीं होगी वहां पर वो आपको कह देगा कि जरा मैं आपकी बात ही नहीं समझ पाया, पूछ क्या रहे या मैं आपको सर्च ही नहीं कर पा रहा। लेकिन आप इसमें समझ गए होंगे कि जनाब ये जो कोटेना है ये वेब पेज है तो आपकी वेबसाइट कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो ये काम नहीं कर सकेगा। फिर वो इंटरनली आप किसी कंप्यूटर में सर्च कर रहा होगा, आपके दुनिया भर में ग्लोबली सर्च नहीं करेगा। अब कोटेना से जब हम बाहर निकलते हैं, तो कोटेना की जो वैल्यू है वो यूं पता चल जाती है कि ये आपकी वेब सर्च के काम आएगा, ये आपकी ब्राउजर के तौर पर काम आएगा, ये आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दे देगा, ये आपको कैलकुलेटर करके दे देगा, ये आपके इवन मीटिंग भी कर देगा। अगर मैं यहाँ पे दोबारा कोटेना पे जाऊं, एक चीज में बताना भूल गया था, मैं अगर दोबारा कोटेना को क्लिक करता हूं और यहाँ पे मैं इसको जो ना एक शेड्यूल मीटिंग कर देता हूं कि रिमाइंड मी फॉर ए मीटिंग। अब मैं इसको एंटर करूंगा कि मुझसे सवाल करने लगेगा कि मैं चाह क्या, यानी कुछ ना कि मैं क्या रिमाइंड करवाना चाह रहा हूं। अब मैं बोलना शुरू करूं या लिखना शुरू करूं, मैं लिखना चाह रहा हूं कि भाई मीटिंग ऑन टू मीटिंग टुमारो या मीटिंग विद कुछ कर लो, मीटिंग विद किसी का भी नाम डाल दो कि मुझे किससे मीटिंग करनी है, मैं यहां पर लिख दू मीटिंग विद कोई भी नाम लिख लें आप, एंटर करें। जब हम इसको एंटर करेंगे तो ये पूछ रहा है कि मैं आपको रिमाइंड कब करूं, ये मैंने मीटिंग तो डाल दी
मैंने इसको ये अभी तक नहीं बताया कि मीटिंग कब है क्या है, बस ये बोला कि भाई मुझे जो है कामना के साथ मीटिंग करनी है। तो नेक्स्ट वक्त सवाल करता है कि भाई आपको रिमाइंड कब करवाया, तो मैं इसको डेट ऑफ टाइम दूंगा, मैं बोलूंगा इसको टुमारो, अगर मैं टुमारो कहता हूँ सिर्फ टुमारो लिख दू, मुझे टाइम वगैरह याद नहीं है, सिर्फ टुमारो लिख एंटर करूंगा तो आपको मुझसे टाइम पूछेगा व्हाट टाइम। अब मैं टाइम लिख दू कि जनाब 10 बजे मुझे मीटिंग करनी है, 11 बजे करनी है, 10 लिख रहे हैं तो एम हम लिख लेते हैं कि जनाब 10 एम है, इसके बाद 10 बजे मुझे अगला एंटर करूंगा, तो वो मेरे कंप्यूटर में जो टाइमिंग मौजूद है उसके हिसाब से ये लगे थे करती के यहाँ पे लिख दिया एक मीटिंग है तुम्हारा 10 बजे मुझे इसको याद दिलाना है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करना है, उसने मुझे कूडो मैसेज करना है कंप्यूटर पे, या कि मेरे पास कोर्टाना मेरे मोबाइल में है और वो साथ लिंक है, तो मुझे वो एक मैसेज कर देगा कि जनाब आपका 10 बजे मीटिंग, 10 बजे मुझे याद दिलाएगा कि मुझे कामरान से मीटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे इस रिमाइंडर पे काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो मैं यानी कि डायरी पे लिखता हूँ या नोट पे लिखता हूँ, ये मेरे नोटबुक के तौर पे भी काम करता है कि सारा मैं कैलेंडर में रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि कब कब क्या क्या मुझे वो रिमाइंड करवाना चाहिए। बहुत सारे काम हम यहाँ पे रिमाइंडर डाल सकते हैं, क्योंकि याद नहीं रहते तो वो कंप्यूटर पर काम करते हुए फिर अचानक से वो मैसेज आ जाएगा कि जनाब नोटिफिकेशन में कि आपको रिमाइंड करवा रहा है कि ये काम आपने अभी करना है, तो ये रिमाइंडर भी आप उस पर लगा सकते हैं। तो इसमें जो है कोटाना में आप इसको बतौर रिमाइंडर बुक, डायरी या नोटबुक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये कोटाना के काम है। अब आप आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है टास्क व्यू। टास्क व्यू पे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन उसमें एक चीज मैंने छोड़ दी थी, उसमें हम बात करेंगे। अगर हम टास्क व्यू को क्लिक करते हैं, ये आपको दो बॉक्सेस से नजर आ रहे होंगे, इन बॉक्सेस को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको ये बता रहा है कि इस वक्त आपने थोड़ी देर पहले इस पे क्या क्या प्रोग्राम खोले हुए थे, कल आपने इस पे क्या प्रोग्राम खोले हुए थे या कौन कौन सी फाइलें खोली हुई थी। हम इसको नीचे जाते चले जाए तो ये हमें एक महीने का रिकॉर्ड देगा कि एक महीने में हमने इस कंप्यूटर पे क्या क्या किया है। यहाँ कंप्यूटर से मुराद वेबसाइट्स नहीं होंगी, कंप्यूटर के अंदर मौजूद फाइलों में आपने क्या क्या काम किया वो बारे में बताएगा कि आपने कब कौन सी फाइल खोली है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे याद नहीं रहता कि मैंने परसों किस फाइल पर काम किया था, यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ, उनमें से किसी भी फाइल को क्लिक करूंगा फाइल खुल जाएगी। ये तो मैंने आपको पिछले बार में बताया था और ये आपको एक महीने का रिकॉर्ड दे रहा है। मेन सब्जेक्ट जो हमारा है यहाँ पे वो है ऊपर की तरफ अगर आप जाते हैं बिल्कुल, जब हम डेस्कटॉप की बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप 1 नजर आ रहा है, डेस्कटॉप 2 नजर आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ डेस्कटॉप 1 नजर आ रहा होगा और एक आ रहा होगा न्यू डेस्कटॉप जहाँ पे प्लस का निशान है। ये एक्चुअली काम क्यों आते हैं, जब हम सिस्टम पे बहुत सारे काम खोल के कर रहे होते हैं या बहुत सारी फाइलें खोल के बैठे हुए होते हैं तो हम बार बार परेशान रहते हैं कौन सी फाइल पे कौन सा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, जो विंडोज के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो मुख्तलिफ डेस्कटॉप पे मुख्तलिफ काम ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं डेस्कटॉप 1 को भी क्लिक करूं, इसी को मैं खोल लूं, तो मेरे सामने आ रहा है कि जनाब ये मेरी स्क्रीन है, इसमें सारी फाइलें मौजूद है, उसमें कोई फाइलें मौजूद और खुली भी नहीं है। यहां मैं 2-3 फाइलें खोल देता हूं, लेट्स से कि ये प्रोजेक्ट में खोल लेता हूं, ठीक है, ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, इसको मैंने ओपन किया है। इसके अलावा 2-3 प्रोग्राम और खोल लेता हूं, एक तस्वीर खोल लेता हूं या इस तरह से कुछ चीजें खोल लेता हूं, अब यहां पे देखें तो मेरा एक एक्सप्लोरर खुला हुआ है, एक पावर पॉइंट खुला हुआ है, एक मेरी वीएलसी एक वीडियो खुली हुई है, ये तो थी खुली हुई है। लेकिन जब मैं टास्क व्यू में जाता हूं, अब मैं दोबारा टास्क व्यू में जाता हूं तो यहां पे देखें मुझे यहां पे एक डेस्कटॉप नजर आ रहा है जिसमें मेरा फाइल खुली हुई नजर आ रही है। अब मैं डेस्कटॉप 2 पे जाता हूं तो यहां देखिए यहां पे मेरे पास कोई भी फाइल नहीं खुली हुई, ये इसकी मुझे बता रही है कि बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे मैं मुख्तलि दूसरी फाइलें खोल देता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ मुझे काम करना है अरोरा खोल लेता हूँ, कोई इमेज खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरी इमेज खुल गई है। अब मैं दोबारा उस डेस्कटॉप पे जाऊं, टास्क व्यू में जाऊं और डेस्कटॉप 1 में जाऊं,
तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं खुली हुई, यानी कि मुख्तलिफ कंप्यूटर की स्किल्स हम वर्चुअल स्किल्स बना देते हैं, जहाँ पे एक्चुअली हम अलग एक ही फाइलों को या एक ही कंप्यूटर को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, कहीं हम कुछ और काम कर रहे होते हैं, कहीं हम कुछ और काम कर रहे होते हैं। जब हम एक साथ बहुत सारी मल्टी टास्किंग कर रहे होते हैं तो हर टास्क को अलग अलग डेस्कटॉप पे करें तो इस तरह आपको बेनिफिट रहता है, आपको याद रहता है कि कौन सा काम हमने कहाँ करना है। अब इस तरह से मल्टी टास्किंग हम कर रहे हैं तो एक जगह पे हमने देखे एक अलग टास्क खोला हुआ है, दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं तो वहां पे कुछ और टास्क खोला हुआ है। इस तरह हमें आसानी होती है कि हम किस टास्क पे किस लेवल पे या किन चीजों पे काम कर रहे हैं इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। अगर हमें कोई मजीद नए डेस्कटॉप बनाने हैं या मजीद स्क्रीन बनानी है तो प्लस का निशान इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थर्ड डेस्कटॉप आ गया। अब इसको अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए ना तो पहली फाइलें खुली हुई है ना सेकंड डेस्कटॉप की फाइलें खुली हुई है, लेकिन एक्चुअली बैकग्राउंड में कंप्यूटर में वो फाइलें तो खुली हुई हैं लेकिन वो विजुअल नहीं होती। अब इसमें इसका ट्रिक भी है या इसको आप एक चीटिंग भी खेलें कि बाज़ों का ये होता है कि हम ऑफिस में बोर हो रहे होते हैं तो हमने कुछ गेम खोली भी होती है या यूट्यूब खोला हुआ होता है या फेसबुक खोला हुआ होता है तो उसके बाद अपनी अलग स्क्रीन पे खोल रहे होते हैं और जैसे कोई बॉस आता है तो हम जैसे हम इस स्क्रीन पे आ गए, स्क्रीन पे आने के लिए क्या करते हैं विंडोज की दबा के टेप का बटन दबाते हैं और उसके बाद एरो की के जरिए हम अपने डेस्कटॉप को चेंज कर सकते हैं। तो अब ये चेंज हो जाता है, आप दूसरी स्क्रीन पे चले जाएं, तीसरी स्क्रीन पे चले जाएं, इस तरह आपकी स्क्रीन है चेंज होती रहती है और ये वर्चुअल डेस्कटॉप इस काम आपके आता है। अब हम आते हैं कॉर्टाना पर बात कर रही वर्चुअल डेस्कटॉप या टास्किंग पे बात कर ली, अब हम बात करेंगे फाइल एक्सप्लोरर पे। फाइल एक्सप्लोरर को लोग ये सिर्फ समझते हैं कि हमें कोई फाइल सर्च करने के काम आती है, कोई फाइल खोलने के काम आती है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे काम है, उस पर बात करेंगे। लेट्स अ फाइल एक्सप्लोरर को जब आप ओपन करते हैं, ये येलो कलर का आइकन है उसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आता है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस से मुराद ये होता है कि कोई इंपॉर्टेंट फोल्डर जो बार बार इस्तेमाल होते हैं वो आ रहे हैं और रिसेंट जो आपने फाइलें खोली हुई है, यहाँ पे 20 फाइलें जो लास्ट आपने फाइलें खोली हुई उनकी लिस्ट आ रही होती है, आप चाहे तो अपनी लास्ट फाइलें यहाँ से ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ग्रुप में जाके लेट से आप पीसी में जाके डॉक्यूमेंट में जाके डाउनलोड में जाके अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेट से मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ तो यहाँ पे मौजूद है डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम फाइलें हैं, यहाँ से मैं फाइलों को ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे सबको पता ही होता है, यहाँ पे अगर आप इनकी बात करें तो यहाँ पे जो रिबिन है इस पर हम बात करते हैं। इस रिबिन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फाइल राइट क्लिक करके कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें इसके ऑप्शन दिए गए कॉपी पेस्ट कट, कॉपी पेस्ट शॉर्टकट, आप इसको कुछ तरीके से जैसे किसी फाइल को मैं क्लिक करूं, किसी भी फाइल को क्लिक करता हूं तो देखिए इसकी कॉपी का ऑप्शन खुल गया है। अब मैं तो यहीं से कॉपी करके बजट को राइट क्लिक करके मैं यहां से कॉपी करके कहीं और जाके इसको पेस्ट कर सकता हूं, किसी और फोल्डर में मैं कट भी कर सकता हूं, खाली इसको पेस्ट या शॉर्टकट भी कर सकता हूं, फिर मैं कट पेस्ट नहीं करता तो मैं डायरेक्ट यहां पे मूव टू भी कर सकता हूं कि लेट से मैं मूव टू को क्लिक करता हूं तो मुझे बता देगा कि कौन कौन सा फोल्डर यहाँ पे मौजूद है, मैं किस फोल्डर में इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि उस फोल्डर में मैं जाऊँ वहां पे पेस्ट करूँ, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से कट या रिकट और पेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन खुद इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करूंगा तो ये फाइल मूव हो जाएगी उस तरफ, या अगर मैं कॉपी में जाता हूँ वजह से मैं कॉपी पेस्ट करने के मैंने फाइल सेलेक्ट की है, ये जो डॉक्यूमेंट मौजूद है मैं सीधा जो पिक्चर में भेज सकता हूँ, मैं पिक्चर को क्लिक करता हूँ तो पिक्चर पे पिक्चर के फोल्डर में ये जाके ये फाइल वहां पे भी सेव हो गई है। इसी तरह मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे रीनेम भी कर सकता हूँ। हम चूंकि हर बार इसको इस्तेमाल करते वक्त जो है राइट क्लिक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन तकरीबन सारे ऑप्शन यहीं पे दिए हुए हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको ओपन करना है, इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, आपने तमाम फाइलें सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट ऑल है, ठीक है। ये तो हमारे होम टैब में, जब हम शेयर टैब में आते हैं तो शेयर टैब में कि हम इसको डायरेक्टली कहीं शेयर करना चाहें, यानी कि इसको हम ईमेल वगैरह करना चाहें, ब्लूटूथ के जरिए शेयर करना चाहें, किसी और सोर्स से शेयर करना चाहें, ईमेल करना चाहें, इसको जिप बनाना चाहें, डायरेक्टली यहीं से प्रिंट निकालें, बिगर फाइल को खोले, पहले जमाने में फैक्स होता था तो फैक्स भी करते थे हम इसको,
ठीक है। फिर हम इसकी शेयरिंग को भी जो है लिमिटेशन भी कर सकते हैं कि आया के हम इसकी शेयरिंग कम करना चाहे, उसकी लिमिटेशन कम करना चाहे, या किस किस्म के लोग जो इसको खोल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। आगे हम करते हैं व्यू पर। व्यू में हमारे पास कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर हमें आइकन बाहर तो बहुत छोटे लग रहे होते हैं, बाजू पर बड़े कुछ लोग रखते हैं, मैंने लार्ज आइकन रखे हुए हैं, आप चाहे तो एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं, अब मेरे को क्लिक किया तो एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, स्मॉल आइकन कर दे तो बिल्कुल स्मॉल हो जाएंगे एक लिस्ट की तरह, ठीक है। लिस्ट को क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल भी आ रही होगी, अगर लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो तमाम फाइलें मुझे एक लिस्ट में दिखा दिए, ये फाइलें हैं, ठीक है, इसके बराबर उसकी डिटेल है, डिटेल में क्लिक करता हूँ तो कब बनी है, इसकी टाइप कौन सी है, इसका साइज क्या है, वो डिटेल्स आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको जो है यहीं पे इसकी डिटेल्स वालों को सकते हैं, हमारा लेआउट ये कर सकते हैं कि हमें फाइलें कैसी दिखे। बाद का विंडोज में कुछ लोग ये घबरा जाते हैं कि परेशान हो जाते हैं कि आइकन बहुत बड़े दिख रहे हैं, बहुत छोटे दिख रहे हैं, विजिबल नहीं है, तो हम इसको इस तरह से डिटेल वगैरह में जाके हम मुख्य किस्म के ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आपको आपको ठीक लग रहा हो। फिर यहीं पर ही आप चाहे तो बाइनरी इसको एक बार क्लिक करें तो बाइनरी ये सॉर्ट हो जाएगा, आप इसको डेट मॉडिफाइड से क्लिक करेंगे तो बाय डेट मॉडिफाइड ये हो जाएगा सॉर्ट। अभी देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो आज की तारीख का आ रहा है, फिर से पुरानी आ रही है, अगर मैं टाइप को क्लिक करूँ तो टाइप वाइज इसको सॉर्ट कर लेगा कि पहले किसने पीएनजी फाइल दे दी है, फिर इसके नीचे उसने दूसरी फाइल दे दी होगी, साइज में क्लिक करूंगा तो साइज के साथ सॉर्ट कर देगा ये कि यहाँ पे छोटे साइज से करके फिर ये बड़े साइज की तरफ जा रहा है, सॉरी बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, दोबारा क्लिक करूंगा तो उसको वो पहले छोटे दे देगा फिर बड़े इससे फिर बड़ी होती जाएगी फाइल। इस तरीके से हम तरीके से भी इसकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक एक चीज होती है ये पॉइंट हिडन आइकन, जब हम किसी फाइल को हाइड कर देते हैं या हिडन कर देते हैं तो हमें वो नजर नहीं आती है, आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो वो फाइल है इस फोल्डर में मौजूद कोई भी ऐसी फाइल जो हिडन हो चाहे वो वायरस हो या आपने हाइड की भी हो तो वहां पे विजिबल हो जाती है, नॉर्मली वो नजर नहीं आती है, लेकिन हम इसके जरिए इस हिडन आइटम को ट्रेस कर लेते हैं। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होता है, इसको अनचेक ही रखते हैं हम, हमें कोई चीज ढूंढनी हो, हमें डाउट हो वायरस होने का, इसको हिडन फाइल को क्लिक करेंगे या हमें लगता हो कि कोई फाइल छुपी हुई है उसको ढूंढना है तो हम इसको हिडन आइटम को चेक लगा देते हैं। तो ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर है जिसमें हमारी सारी चीजें जो है यहीं पर मौजूद है, हम बजाय से राइट क्लिक करके चीजें ढूंढते रहे या इसके बारे में सोचते रहे, हम सिर्फ ये दो तीन टैब के जरिए भी तमाम फाइल एक्सप्लोरर को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं।